रेवाड़ी नगर परिषद हाउस की 8 महीने बाद बैठक शुरू हुई थी कि पहले तो महिला पार्षदों के पतियों ने बैठक में बैठने के लिए हंगामा काटा और फिर वार्ड नंबर 14 की पार्षद राजबाला राव के बेटे मोनू राव ने भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए खूब हंगामा किया। चाहे पार्षद के पति हों या फिर बेटा, सभी का मानना है कि महिला पार्षदों से ज्यादा पुरुष बाहर लोगों के बीच उठते बैठते हैं। ऐसे में जब उनके वार्ड में काम नहीं होता तो लोग उनसे सवाल करते हैं, इसलिए उन्हें भी बैठक में जगह मिलनी चाहिए। मैं अपना देख लूंगा, मुझे ये नहीं, मतलब मेरा आदमी आता है किस तरह के वार्ड में ड्रामा करती है। अरे मेरा साथ मेन बाजार है मेरा, अरे वाइस प्रधान रहा वकील लोग सब चीज ये रही, मैं अपना वार्ड में देख लूंगा, नहीं होगा तो सबको अपना देख लूंगा मैं। खत्म गली में बन रही है लोग तुम्हारा पहाड़ का कपड़ा आके लेडीजा गेट घूमते रहे, हमसे सवाल करो, हमसे आलिश बैंक का कॉर्पोरेट बैंक रह चुके सरकारी के ऊपर सारा मुझे नहीं पता जी, हर पास बने हम यहाँ पे। इस जोरदार हंगामे के बाद चाहे महिला पार्षदों के पति हों या अन्य प्रतिनिधि, उन्हें सदन की बैठक में जगह देकर शांत कर दिया गया, जिसके बाद बैठक शुरू होने पर शहर की बदहाल व्यवस्था पर पार्षदों ने अधिकारियों पर जमकर तीर चलाए। बैठक में शहर की टूटी सड़कें, अतिक्रमण, लावारिस पशु व सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठा। इस बीच कुछ पार्षदों के बीच आपस में नोकझोंक भी होती दिखी। बैठक में खास बात ये रही कि रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव भी पहुंचे। उन्होंने बैठक में शहर की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। बैठक में हाल ही में नॉमिनेट किए गए 3 पार्षदों को शपथ भी दिलाई गई। वो खुद ही इस बात का ध्यान रखे और भाई गरिमा बनाए सदन की। वो एक एडवोकेट हैं, चलो कोई नहीं कहना चाहिए उनको। देखो जो नगर परिषद की चीज़ें हैं वो नगर परिषद तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसमें कोर्ट कचहरी का कोई मामला होना नहीं चाहिए। हमारा तो यही है कि मिलजुल के जितना हम प्यार से सहयोग से काम कर पाएंगे, चेयरमैन अधिकारी और पार्षद सब मिलकर, वैसे ये ऐसे डांट से धमकी से इन चीज़ों से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। तो मेरा तो बस यही है कि प्यार से सब बात करें, प्यार से काम निकलवाएं, उसी में सबकी भलाई है। वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर के हंगामा हुआ है उनका, ये सभी जानते हैं, मैं नहीं, आप लोग भी जानते हैं, बाकी सभी जानते हैं। बाकी मैं ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, जहाँ अपना रिलेशन है रिलेशन को एक तरफ रखो आप, लेकिन जो काम का वो है तो काम को काम के हिसाब से लो, वहाँ पर बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही है कि आराम से जो मेरा मानना तो यही है रूल के हिसाब से, जैसे कि बस सिर्फ कैंडिडेट को ही हॉल की मीटिंग हॉल में आना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। और जैसे कई पार्षदों का ये है कि हमारी वाइफ नहीं बोल सकते या कुछ है, तो फिर अगर मान लो वो सामने नहीं आ सकते बोल सकते, तो इलेक्शन लड़ाने से पहले ये चीज़ें सोचना चाहिए कि भी बोल पाएंगे या नहीं। कानून के मुताबिक पार्षद और अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा कोई भी बाहरी सदन की बैठक में नहीं जा सकता, लेकिन पार्षद के प्रतिनिधि अक्सर ये दलील देते दिखाई देते हैं कि महिला पार्षद बोल नहीं सकती या जनता की बात ठीक से रख नहीं सकती, जिसके चलते वो उनकी जगह पर बोलना चाहते हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।